स्टूडेंट माई सेल्फ मुकुल कुमार शर्मा पीजीटी केमिस्ट्री एट अमरनाथ विद्या आश्रम. आई वुड लाइक टू से थैंक आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर फॉर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूअसली. एंड स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल. स्टूडेंट वी स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आर लास्ट वीडियो एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. लेकिन उससे पहले भी बेटा हम यहाँ सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड राउंडिंग फिगर. देन हम आएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे. तो शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन? द नंबर आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट. मतलब हम जिन नंबर्स का हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है वो दोनों नंबर हमारे सेम पावर रखते हों. या तो उनकी पावर पहले से सेम है तो कोई बात ही नहीं है. अगर उनकी पावर पहले से सेम नहीं है तो पावर आपको सेम बनानी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल 6.67 × 10⁴ है. इसका एडिशन करना है आपको किसके साथ? 7.73 × 10³ के साथ. ये दो नंबर दे रखे हैं, दोनों का आपको एडिशन करना है. तो पहले देखिए आप इनकी पावर देखिए. इसकी पावर 10⁴, इसकी पावर है 10³. दोनों की पावर डिफरेंट है. तो पहले आपको इनकी पावर सेम मानी पड़ेगी. या तो आप इसकी पावर 10³ कर लीजिए या इसकी पावर को आप 10⁴ में कन्वर्ट कर लीजिए. चलिए इसकी पावर 10³ में कन्वर्ट करते हैं. इसकी पावर को हम 10³ में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब 10³ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप छोटे नंबर को बड़ा बना देते हो, छोटे नंबर को बड़ा बना देते हो, 6.67 को आपने लिख दिया 66.7, तो पावर डिक्रीज हो जाती है. जब आप एक छोटे नंबर को बड़ा बनाते हो तो पावर डिक्रीज हो जाती है. इट मींस जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है. किसमें बढ़ेगी? माइनस में. अगर आप डेसिमल को राइट टू लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो पावर किसमें आएगी? माइनस में. 10⁴ और 10⁻⁴ के बाद क्या बचेगा? 10³ बचेगी. तो 66.7 10³ हो गया. प्लस इसे वैसे ही रहने देंगे 10³. अब दोनों की पावर सेम होगी. और जब दोनों की पावर सेम होगी तो जो उनकी बेस वैल्यू है उसको सिंपल ऐड कर लेंगे. उनके सिंपल एडिशन करेंगे इनटू 10³ only 3. एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती. इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या करना है आपको? दोनों की जो दो नंबर है उनकी पावर सेम बना लीजिए. ठीक है. अगर छोटा नंबर है उसे बड़ा बनाएंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगी. छोटे नंबर बड़े नंबर को छोटा बनाएंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी. इज दैट क्लियर? अब इसका सिंपल एडिशन कर लीजिए. जो आंसर आए वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. ठीक है. अगर इसी का मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या होगा? मान लीजिए कोई सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा. फॉर एग्जांपल 7.75 × 10⁴ में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 6.59 × 10³ को. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी. ठीक है. अब इसकी पावर को 3 में कन्वर्ट कर लो या इसकी पावर को 4 में कन्वर्ट कर लो. हम इसकी पावर को 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो छोटी वैल्यू है 7.7, इसको हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो पावर डिक्रीज हो जाएगी. 7.7 को मैंने 77.5 × 10³ में कन्वर्ट कर दिया. जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तो पावर डिक्रीज होगी. लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे डेसिमल को तो पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज. माइनस 6.59 × 10³. अब सिंपल है, दोनों की पावर जब सेम हो जाएंगी तो क्या करना है आपको? इनकी जो बेस वैल्यू है उसे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो. 77.5 − 6.59 × 10³. सिंपल सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही सकते हो. आंसर निकालो इसका और मुझे बताओ कि आंसर आपका क्या आ रहा है. इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बेटा पावर जो होती है सम
हो जाती है एंड अगर सब्ट्रैक्ट हुई तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पावर हमें सेम नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल 6.67 10 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 3.32 10 टू दी पावर 3 से, तो यहाँ हमें पावर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर 10 की पावर 5 है, इसकी पावर 10 की पावर 3 है, सेम नहीं है और एकदम सेम बनाएगी भी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा पावर एड हो जाएगी, सम हो जाएगा पावर का। तो हमें क्या करना है, इनकी जो बेस वैल्यू है उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, इनकी जो बेस वैल्यू उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 3.32 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है सम हो जाता है पावर का। इसका आप आंसर निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लेंगे, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 और 3 10 की पावर 8 इज दैट क्लियर, इसका आंसर आप निकालेंगे। अगर मान लीजिए मुझे डिवीजन करना है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को डिवाइड करना है 7.36 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4.79 10 टू द पावर 3 से, ठीक है, तो क्या होगा पावर ऊपर चली जाएगी, क्या बनेगा मेरा 7.36 डिवाइडेड बाय 4.79 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 3, तो जो भी वैल्यू आएगी अब यार ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आप इसका आंसर निकालेंगे 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आंसर आप निकाल के निकाल मुझे बताएंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे क्लियर। अब कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ की, इसमें दो तीन पॉइंट है वो समझ लेते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब राइट मोस्ट शायद में जो डिजिट है जिसको मैं रिमूव करना है अगर वो मोर देन 5 है 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर जो होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 7.776। अब राइट मोस्ट शायद में ये वाला डिजिट जो हमें रिमूव करना है, ये रिमूवल नंबर है डिजिट है इसको रिमूव करना है, ये मोर देन 5 है 5 से बड़ा है 6 है तो 5 से बड़ा है, तो इससे पहले अगर ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला नंबर जो होगा डिजिट जो होगी उसको हम इंक्रीज कर देंगे, क्या बनेगा 7.78 बनेगा, इज इट क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 9.168 ये रिमूव करना हो मैं 8 को, तो 8 क्या है मोर देन 5 है 5 से बड़ा है, ठीक है, तो उसे जो प्रीसीडिंग डिजिट है उससे पहले वाला नंबर जो है उसे हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 9.17। अगर मेरे पास हो 10677 ठीक है, और अभी मेरे पास रिमूवल नंबर क्या है यहाँ पे 7 जो कि मोर देन 5 है, तो उससे पहले वाला जो नंबर होगा उसको हम एक इंक्रीज करेंगे, अगर रिमूवल नंबर हमारा मोर देन 5 है तो उससे पहले नंबर को इंक्रीज कर देते हैं बन जाएगा 10.68 इज इट क्लियर। और अगर हमारा रिमूवल नंबर लेस देन 5 हो तो प्रीसीडिंग नंबर हमारा नो चेंज रहता है, उससे पहले वाला नंबर नो चेंज रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो 8.964 तो यहाँ हमारा जो रिमूवल नंबर है वो लेस देन, यहाँ 4 को रिमूवल रिमूव करना है तो हमारा रिमूवल नंबर जो है वो लेस देन 5 है 5 से छोटा है, तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इससे पहले वाला जो नंबर है डिजिट जो है वो नो चेंज रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी वो आएगी 8.96। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो 99.773 तो रिमूवल नंबर मेरा कैसा है 3 को रिमूव करना, तो रिमूवल नंबर मेरा कैसा है लेस देन 5 है, और ये लेस देन अगर 5 है तो इससे प्रीसीडिंग नंबर जो होगा उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसका आंसर होगा वो होगा 9977, ठीक है। अच्छा अगर हमारा रिमूवल नंबर एग्जैक्ट 5 हो तो क्या करते हैं, फिर हम प्रीसीडिंग नंबर में ऑड और इवन देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लीजिए ये है 6.235 ठीक है, तो यहाँ रिमूवल नंबर कैसा है मेरा एग्जैक्ट 5 है, ठीक है रिमूवल नंबर मेरा 5 है, तो अब प्रीसीडिंग नंबर में हम देखेंगे क्या कि प्रीसीडिंग नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, अगर इवन है तो नो चेंज रहेगा, ठीक है, और अगर ऑड है तो इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा,
इंक्रीज्ड हो जाएगा किसके थ्रू, वन के थ्रू, इंक्रीज्ड बाय वन। अभी यहां रिमूवल नंबर फाइव है तो उससे पहले वाला नंबर कैसा है, ऑड है या इवन, वो ऑड है तो उसे एक इंक्रीज करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6.24। फाइव को रिमूव करते हैं, उससे पहले वाला नंबर ऑड है तो हम उसे एक इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर ये इवन होता, फॉर एग्जांपल ये होता 6.245, तो रिमूवल नंबर फाइव है, उससे पहले वाला नंबर कैसा है, इवन, और ये इवन है इसलिए ये नो चेंज रहेगा, कैसा रहेगा, नो चेंज, ठीक है। और ये क्या बनेगा 6.24। अगर हमारा इवन नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर हमारा इवन है तो वो नो चेंज रहेगा, और वो अगर ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा राउंडिंग ऑफ, इज दैट क्लियर। हम बात करते हैं बेटा एक्यूरेसी की, ठीक है। तो बेटा साइंस में हमें बहुत सारे चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, और जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने वैल्यू मेजर की है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं एरर। अब एक्यूरेसी क्या है, व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को पहले हम एग्जांपल से समझाते हैं, देन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी हाइट जो है, सपोज करो मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, ठीक है। अब मैंने अपने तीन स्टूडेंट्स, एक अंश, चितवन एंड विशाल, मैंने तीन स्टूडेंट हैं, इनको बोला मेरी हाइट मेजर करने के लिए। तो ऐसे मेरी हाइट को मेजर किया 170 सेंटीमीटर, ठीक है। चितवन ने मेरी हाइट को मेजर किया 176 सेंटीमीटर, एंड विशाल ने मेरी हाइट को मेजर किया 179 सेंटीमीटर। तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल हाइट है, और ये मेरी इन बच्चों ने जो मेजर किया है वो मेजरमेंट है। अब इन तीनों मेजरमेंट में से किसका मेजरमेंट एक्चुअल हाइट के क्लोज है, विशाल का, विशाल का जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल हाइट के, एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, यही बेटा एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि विशाल की एक्यूरेसी जो है वो गुड है, एक्यूरेसी ऑफ विशाल क्या हो गई, ऑफ विशाल क्या हो गई, गुड, विशाल की एक्यूरेसी सबसे अच्छी है। क्यों, क्योंकि इसकी मेजर की हुई वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज है। तो हमारी जो मेजर वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है, वही है बेटा एक्यूरेसी। हमारी मेजर की हुई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी ज्यादा क्लोज है, वही उसकी एक्यूरेसी। इज इट क्लियर। तो सबसे अच्छी एक्यूरेसी किसकी है, विशाल की, और सबसे खराब एक्यूरेसी किसकी रही, अंश की। एक्यूरेसी ऑफ अंश कैसी है, वेरी पुअर। इज इट क्लियर, यही बेटा एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो ट्रू वैल्यू को कितनी ज्यादा क्लोज है, वही उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन को भी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सेम रखेंगे, मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने अंश को बोला कि आप मेरी हाइट को बेटा 4 times मेजर करो, 4 times मेजर करिए। तो अंश ने पहली बार मेजर किया तो उस समय हाइट मेरी मेजर करी 170, सेकंड टाइम में मेजर किया 171, थर्ड टाइम में मेजर किया तो उसने हाइट मेजर करी 172, एंड फोर्थ टाइम में मेजर किया 173 मेजर उसने किया है। उसने चार बार मेरी हाइट को मेजर किया और हर बार थोड़ा सा एरर रहा और 170, 71, 72, 73 रहा, ठीक है। अब देखिए ये मेरी एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये क्या है मेरी एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल हाइट बोल दीजिए, और ये अंश ने जो मेजर किया है वो मेजरमेंट है। क्या ये चारों मेजरमेंट इसके क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, ये चारों ही मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है। इसका मतलब एक्यूरेसी कैसी है, यहां यहां एक्यूरेसी पुअर है, ठीक है। बट ये चारों वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है,
ये चारों वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ये चारों वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितना क्लोज है वही है उसका प्रिसीजन, वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारी मेजरमेंट की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज है वही, जितने ज्यादा क्लोज उतना अच्छा प्रिसाइज। तो ये प्रिसाइज है, प्रिसीजन कैसा है, इनका एक्यूरेसी तो पूरा है लेकिन प्रिसीजन कैसा है, गुड, इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आपको। इनकी एक्यूरेसी पूरा है बट प्रिसीजन का अच्छा है क्योंकि एक दूसरे के बहुत क्लोज है, 170, 71, 72, 73। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास 150 ml मैंने वाटर लिया हुआ है, 150 ml ऑफ वाटर मैंने ले लिया एक बीकर में। अब मैंने बोला एक स्टूडेंट से मेजर कर लिया, ठीक है, मैं दो स्टूडेंट ले लिए, एक स्टूडेंट एक्स और दूसरा स्टूडेंट मेरा वाई, मैंने कहा बेटा 3-3 times बार आप मेजर करेंगे। तो एक्स ने जो मेजर किया है वो 125 ml मेजर किया, 127 मेजर किया एंड 128 मेजर किया, ठीक है। और जो मेरा वाई स्टूडेंट है इसने इसको मेजर किया है 148 ml, 149 ml एंड 150 ml। तो बेटा ये एक्स के अगर वैल्यू देखें तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कोई सी भी वैल्यू इसके क्लोज नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी कैसी हो गई, पुअर। बट ये वैल्यू आपस के एक दूसरे क्लोज है तो प्रिसीजन कैसा है इसका, प्रिसाइज है, ये सब चीजें प्रिसीजन गुड है, ठीक है। लेकिन अगर हम वाई की बात करें तो y की जो तो मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू 150 के क्लोज है, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी इज गुड एंड ये वैल्यू एक दूसरे के भी क्लोज है 148, 149, 150, ठीक है, तो ये प्रिसाइज भी है। इज इट क्लियर, तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी क्या है कि जो हमारी मेजरमेंट वाली वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है वो उसकी एक्यूरेसी, और जो हम मेजर कर रहे हैं वो वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है वो उसकी प्रिसीजन। इज इट क्लियर, हम एक नए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा एटम। यूनिवर्स फॉर्म्ड बाय टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। मैटर को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ये आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बना है, बट ये मैटर किस चीज से मिलकर बना है ये जानने की क्यूरियोसिटी ह्यूमन बींग के अंदर शुरू से ही रही। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट, फिलोसोफर और ऋषि मुनीस ने इसके बारे में अपने अपने थॉट्स दिए। इसी सीरीज में हमारे ऋषि थे, हमारे इंडिया के ही ऋषि थे, ऋषि कनाद, इन्होंने भी बताया, इन्होंने बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होता है और उन स्मॉल पार्टिकल को परमाणु बोला, इन्होंने क्या बोला, परमाणु। इनका मानना था कि जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है और इन स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने उस टाइम क्या बोला, परमाणु बोला, क्या बोला था, परमाणु। बाद में ऋषि पकुदा भी आए और इन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें बताई। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऐसे फिलोसोफर और ऋषि मुनि वगैरह थे जो इस बारे में अपनी राय देते रहे, बट जितनी भी बातें अब तक हुई थी ये सारी प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं थी, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड नहीं थी। इसके ऊपर सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए 1806 में, सर जॉन डाल्टन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के ऊपर बात करी, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एटम के ऊपर बात करी और इन्होंने एटम के रिगार्डिंग एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 4-5 points थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन किए हुए हैं, आप इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्या थे वो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था कि मैटर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर
फॉर्म हुआ है। मैटर जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल को कंसिस्ट करता है। इन स्मॉल कॉन्स्टेंट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं स्मॉल कॉन्स्टेंट पार्टिकल को? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्मॉल कॉन्स्टेंट पार्टिकल को? एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है जो डेवलप हुआ है अटोमियों से। अटोमियों का मीन्स क्या होता है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, ठीक है। तो इन्होंने पांच पॉइंट थे। इन्होंने क्या बताया कि मैटर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन पार्टिकल से फॉर्म होता है। इन स्मॉल क्वेश्चन पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। एटम ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको और ज्यादा ब्रेक ना किया जा सके। ये एटम इंडिविजिबल है। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी और सेम मास के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट डिफरेंट मास के होते हैं। जब ये एटम आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एटम जो है केमिकल रिएक्शन में विदाउट डिस्ट्रॉय हुए पार्टिसिपेट करता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पांच पॉइंट थे जिन्होंने डॉल्टन के बारे में बताया। इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स सही साबित हुए और आगे चल के फ्यूचर में कुछ पॉइंट रॉन्ग प्रूफ हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट ऐसा नहीं है, आगे चल के रॉन्ग प्रूफ हो गया था ये पॉइंट। एटम ब्रेक किया जा सकता है और एटम खुद कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसे क्लियर? एक और पॉइंट इन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। एक एलिमेंट के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी और सेम मास के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आइसोटोप। आइसोटोप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, बट सारे एटम, जैसे कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम मास के होते हैं, ऐसा मानना था डॉल्टन का। लेकिन एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम मास के नहीं होते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। एटम इंडिविजिबल है, ऐसा मानना था इनका, लेकिन एटम इंडिविजिबल नहीं है। इसे ब्रेक किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मास के होते हैं, ऐसा मानना था डॉल्टन का, लेकिन ये भी गलत है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सेम मास के भी हो सकते हैं, जैसे आर्गन 40 होता है।